खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। नोएडा के सेक्टर 39 से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने किसी महिला नहीं बल्कि अपने ही दोस्त के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया और हवस पूरी हो जाने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। एक ओर देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश में रेप और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। देश में महिला क्या, मासूम बच्ची क्या और बुजुर्ग महिला क्या, सब दरिंदों की शिकार हो रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि पुरुष भी दरिंदगी के शिकार हो रही हैं। पहले देश में निर्भया कांड, फिर कठुआ दुष्कर्म कांड और हाल ही में हुआ हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद निर्मम हत्या के मामले ने देश को झकझोर दिया है। मानो देश में कानून तो है लेकिन दरिंदों में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे एक शख्स ने अपने ही दोस्त की बर्बरता से हत्या कर डाली। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कैसे एक शख्स ने अपनी ही दोस्ती को कैसे किया तार तार। देश में महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी दरिंदों का शिकार हो रहे हैं। दरअसल ताजा मामला नोएडा सेक्टर 39 का है, जहां सलारपुर इलाके के रामलीला ग्राउंड में एक युवक के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बीते 4 नवंबर को मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में साफ कर दिया है कि उसने अपने दोस्त छोटू के साथ मिलकर पहले लंबू के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और दोनों ने मिलकर उसके सिर को ईंट से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद शव को रामलीला ग्राउंड में फेंक दिया। वही मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने ही एक दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वो ईंट भी बरामद कर ली है जिससे आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है, जो अपने 2 साथियों मृतक लंबू और छोटू के साथ रहता था। वही पुलिस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वही अन्य आरोपी की तलाश भी जारी है। लेकिन इस मामले से यह भी साफ हो गया कि देश में महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी दरिंदगी का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।